हाय गाइस, देखिए हमारे पास एक इंडक्शन आया हुआ है जो कि हैवेल्स का 2000 वाट है। ये यहाँ पे लिखा है हैवेल्स का है और ये खाना बनाने के काम में आता है, इंडक्शन है। तो ये अभी आया है, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी लाइन को लगाया जा रहा है, लाइन को लगाते हैं उसके बाद में देखिए चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सामने ये आ रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा है सबसे पहले। फिर इसको हम खोल के देखते हैं इसमें क्या समस्या आ रही है, आन काहे नहीं हो रहा है। इसको खोल लेते हैं। आप लोगों के पास कोई सा भी इंडक्शन हो, अगर ख़राब है या कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सा भी इंडक्शन हो, किसी भी प्रकार का इंडक्शन हो, सबका बताएंगे हम कैसे क्या रिपेयर होता है, इसमें क्या ख़राब होता है ज़्यादातर। पहले इसको खोल लिया जाए उसके बाद में बताते हैं क्या दिक्कत है। वैसे तो ये जला हुआ है ऊपर से ही विधवत तरीके से, देखते हैं। ये इसका जो है डिस्प्ले है और स्विच इसी में होता है, ये ऑन ऑफ होता है, देखते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम यहीं से ही आती है, ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो जाती है। और इसमें एक आईसी लगी हुई है, यह आईसी भी ख़राब हो जाती है। देखते हैं इसको हम लोग शॉर्ट करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। ये इसकी पिन है आईसी की, ये ऑन हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्विच ख़राब था, केवल हमको इसमें स्विच बदलना है, ये चालू हो जाएगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने इसको थिनर डाल के क्लीन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल भी डाल के क्लीन कर सकते हैं। इसी तो हमारे लिए बेस्ट थिनर ही होता है। थिनर डाल के हम लोग क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद ये बटन जो था हमने निकाल लिया है, यहाँ वाला, और ये बटन निकाल लिया है और यहाँ का भी निकाल लिया है। दो बटन इसमें ख़राब था, एक ऑन का था और एक मेनू का था, और इस दोनों को हम बदल देंगे, ये ओके हो जाएगा हमारा। ये हमने स्विच को लगा रहा है और स्विच को लगाने के बाद में इसको बांधेंगे, फिर चेक करेंगे। लगाओ हमारा, ओके हो गया।